यार जब भी कोई रियलिटी शो देखने के लिए बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कंटेस्टेंट चेंज हुए हैं और उसके बाद से जजेस सेट और कमेंट्स सब कुछ सेम टू सेम आएगा और कंटेस्टेंट की तरफ से जो लाइन सुनने को मिलेगी मीन्स एकदम इमोशनल अत्याचार रहेगा आपके लिए कि मेरे पास खाने को नहीं था, मेरे पास पहनने को नहीं था, मेरे माँ बाप जो है सपोर्ट नहीं करते थे, मैं घर छोड़ करके आ गया हूँ, सब की सेम कहानी। यार एक दो बार तो सही लगता है लेकिन जब पिछले 11-12 साल से आप सेम चीज़ सुन रहे होगे तो मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट एपिसोड में ही आप डिसाइड कर लोगे कि इसका लास्ट एपिसोड कैसा होने वाला है। बिल्कुल कुछ ऐसे ही रहा है इंडियन आइडल 11 और इसमें जिस तरह से ऑडिशन राउंड हुआ है और ऑडिशन राउंड के अंदर में नो डाउट कि यार कोई भी ऐसा बंदा हो जिसने दिल ना चुराया हो, हर किसी ने दिल जीत लिया। अब यार आप ये नहीं कह सकते अजमत हुसैन भी आकर के इंडियन आइडल के शो में सेम चीज ही तो कर रहा था। नहीं, उन्होंने बचपन में ही अपना सारा टैलेंट दिखा दिया था, अपना सब कुछ निकाल के सामने रख दिया था और उन्होंने ये दर्शा दिया था कि उनकी पर्सनालिटी कहां पे स्टैंड करती है। अब बात करता हूं यार कि ऑडिशन राउंड में जब सनी हिंदुस्तानी को सुना था तो नो डाउट यार दिल में आवाज उतर सी गई थी और ऐसा लगा था नुसरत फतेह अली खान ने जो है उनके अंदर में एक अलग तरह से प्रवेश कर गए हैं और मानो कि वो फिर से रिक्रिएशन के तौर पे आ चुके हैं हमारे सामने और बार बार सुनने का मन करता था। लेकिन जैसे ही रोहित राउत का परफॉर्मेंस देखा और रोहित राउत के परफॉर्मेंस देखने के बाद में यार ऐसा लगा कि रोहित राउत कहाँ था अब तक और ये सिर्फ मराठी में क्यों गाना गा रहा था, हिंदी में भी सुनना था। उसके बाद से उन्होंने जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस दिया है जस्ट लाइक अ बॉर्न स्टार, हाँ बॉर्न रॉक स्टार जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही दिया है। आप उनका कोई भी परफॉर्मेंस उठा करके सुन लो यार आप बोलोगे कि क्या बंदा है, क्या परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन पता नहीं क्यों अजमत हुसैन फैन फॉलोइंग की वजह से चल गए, सनी हिंदुस्तानी भाई विशाल दादलानी की वजह से चल गए। विशाल दादलानी ने उनके लिए इतना प्रमोशन किया ट्विटर हैंडल बोलो या फिर सोशल मीडिया बोलो, हर जगह पे माना कि जब कोई अच्छे स्टेटस में हो रहा होता और उसके सामने में अगर थोड़ा भी लो स्टेटस वाला बंदा आता है तो उनका दिल में एकदम पसीज जाता है यार, मतलब कहीं पे भी कनेक्ट हो जाता है और कहता है कि मैं तो इसको बना के रहूंगा। लेकिन उनके आसपास के और जो सारे टैलेंट हैं उन सारे टैलेंट का क्या होने वाला है, क्या उन सारे टैलेंट के ऊपर में ये चीज़ हावी हो जाता है यार, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब भी हम कोई इंडियन रियलिटी शो देख रहे होते हैं तो वो रियलिटी से तो एकदम हट जाता है। पहले के कुछ एपिसोड जो है वो रियलिटी तो होती है लेकिन उसके बाद के सारे एपिसोड जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर और शो के क्रिएटर डिसाइड करते हैं कि क्या दिखाना है, क्या बुलवाना है और क्या डिस्प्ले करना है। अब यार एक चीज़ याद रखना, जब जब सनी हिंदुस्तानी के लिए वोट अपील की जा रही थी तब तब वहाँ पे जो है उनकी वो बूट पॉलिश वाली क्लिप दिखाई जा रही थी ताकि हम उनके टैलेंट के साथ साथ उनकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है उनको भी हम दिमाग में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें दिमाग से नहीं दिल से। भाई इस तरह से अगर देखी जाए तो इंडियन आइडल के शो के बाहर में ना जाने कितने सारे गरीब लोग आ करके प्योर टैलेंट ला के दिखाना चाहते हैं, प्योर टैलेंट, लेकिन उनको ऑडिशन तक का भी मौका नहीं दिया जाता। तो फिर आप अगर इतने बड़े दिल वाले हो तो बाहर वाले बंदे को अंदर क्यों नहीं बुला लेते, राइट? भाई सुन करके काफ़ी ज़्यादा धक्का लगेगा लेकिन रोहित राउत इज़ द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन फॉर द विनरशिप, लेकिन उनको वहाँ पे नहीं लिया गया, जस्ट फर्स्ट रनर अप बना करके छोड़ दिया गया। नो डाउट उनके पास में काम की कमी नहीं होने वाली है, ऑलरेडी वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उनका जो टैलेंट है वो बहुत ही हट के टैलेंट है। अच्छे अच्छे गाने को, अच्छे अच्छे सिंगर के गाने को उन्होंने जो अपने स्टाइल में डाल करके गाया है, आई डोंट थिंक सो कि सनी हिंदुस्तानी उस लेवल पे जा सकते हैं। वो बस एक काम कर सकते हैं, सलमान अली देखा जाए तो सच्ची में गाना गाते थे लेकिन सलमान अली को टक्कर देने के चक्कर में या फिर उनको दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि सलमान अली ऐसे ही हिट हुआ है, आप भी जितना गला फाड़ सको फाड़ो। सो दैट्स इट गाइज, मेरे हिसाब से मेरा ऑब्जर्वेशन यही था। आपको क्या लगता प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ, गालियाँ हो या तालियाँ यार दिल खोल करके कमेंट सेक्शन पे दो, आई विल एक्सेप्ट द बोथ। तो चलो यार वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू और हाँ आपने यहाँ तक देखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, साइनर एंड अस्ता ला विस्ता।